बताने की जरूरत ही नहीं है, सारे दुनिया को मालूम है कि जलगांव जिले में कौन नचा रहा है एजेंसी, महाराष्ट्र में कौन नचा रहा है एजेंसी। जो महाराष्ट्र में सरकार में बैठे हैं उन्हीं के ऊपर उंगली जाती है, नाम लेने की जरूरत ही क्या है। जब कोर्ट ने बताया है कि गवर्नमेंट के उंगलियों के निर्देश पे एजेंसियां चलती है, डांसिंग कर रही है, नाच रही है, ऐसा बताया कोर्ट ने, तो नाच रही है। एक तरह से बहु कोर्ट ने आपको जो जिस तरह से बात कही है तो उसमें आपको लगता नहीं कि कोर्ट ने ही सारी बातें खोल दी है सामने, कोर्ट ने ही सारी बातें खोल दी है सामने? बेटे तो कोर्ट ने तो सारी बातें नहीं है, कोर्ट ने तो हिस्ट्री बता दी है। हाँ। पहले से आखिरी तक कोर्ट ने हिस्ट्री बता दी है कि भाई किस ढंग से चल रहा है उसका सारा ये कोर्ट ने बताया कि इसमें किसी तरह से जो एक्यूज है, जो आरोपी है, जो मैं हूँ, मुझे उसमें किसी तरह से अरेस्ट करना चाहिए या किसी तरह से इसको सरकार के एजेंसियों का गैरफायदा उठा कर गैरउपयोग करके इसको तकलीफ देना चाहिए। कोर्ट ने बताया, मेरे कोर्ट ने तो ये बताया कि इसमें एक यूनिक उदाहरण है, दुनिया में एक अनोखा उदाहरण दिख रहा है कि सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है, ये एक यूनिक उदाहरण है। और ये भी बताया उन्होंने कि एजेंसियाँ जो है, एजेंसियों ने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना चाहिए। यह एजेंसियां तो दिख रही है तो सरकार के कुछ ही व्यक्ति के उंगलियों पर नाच रही है, ऐसा कोर्ट बता रहा है। मतलब इससे और क्या नामुश्की हो सकती है, और क्या नाक कट सकती है सरकार की? सही बात।